तो आज हम लोग पशु आहार सेकंड पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था? पशु आहार एवं पोषण फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम पशु आहार एवं पोषण सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड का फर्स्ट वीडियो है ये। कौन सा है? फर्स्ट है ये। ये याद रखना है, पार्ट बाय पार्ट हम पढ़ते रहेंगे क्रम वाइज, और पार्ट के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों की संख्या अपन बढ़ते जाएंगे। तो पहला पार्ट में, ये पहले पार्ट में क्या नाम है जो हमने पढ़ा था, वही है। बस इसमें अंतर क्या आएगा कि इसमें चारा संरक्षण की बात करी जाएगी, उसमें खिलाने से संबंधित बात की गई थी। अब इसमें ये बताया जाएगा कि खिलाया क्या जाएगा, बस इस पार्ट में ये चलेगा। तो खिलाने के लिए सबसे अच्छी बात आती है कि पशुओं को साइलेज खिलाने की बारे में बात करेंगे। तो साइलेज का निर्माण सीखेंगे कि साइलेज का निर्माण कैसे होता है। बस मुझे आप गौर से देखते रहिए कि साइलेज का निर्माण कैसे होता है। पहले तो कई बार लोगों को ये पता नहीं होता है कि साइलेज होती क्या है, तो बस मेरे चित्र के अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझते जाएं, ठीक है? तो देखो, मैं साइलेज बनाने की विधि का वर्णन करूंगा। क्या करूंगा? साइलेज बनाने की विधि, ठीक है? क्या? साइलेज बनाने की विधि। तो मैं एक क्रम वाइज आपको बताता हूंगा। तो यहां से देखें कि एक किसान है और उसके पास खेत है, और खेत में ये मक्का के पौधे खड़े हुए हैं, और मक्का में फ्लावरिंग स्टेज आ गई है, फूल वाली अवस्था आ चुकी है। कौन सी आ गई है? फूल वाली अवस्था आ गई है, फूलने लगी हमारी मक्का। ये किसकी फसल है? मक्का। एक किसान के खेत पर मक्का है और वह मक्का से साइलेज बनाना चाहता है, तो कैसे बनाएगा? तो मक्का की जब हम बो देते हैं अपन लोग बरसात के दिनों में, तो मक्का जब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और फ्लावरिंग स्टेज यानी बुटिया आने की अवस्था जब आ जाए, तब क्या करेंगे वो देखो। तो हम लोग इसको मक्का को कटाई करेंगे। क्या करेंगे? कटाई, और काट करके लाएंगे हम लोग। और क्या करेंगे? एक मशीन की जो कुटी करने मशीन होती है, इसे चेक कटर बोलते हैं। तो कुटी करने वाली जो मशीन है, उस कुटी करने वाली मशीन से हम लोग क्या करेंगे? इसको काटेंगे, ठीक है? और इसमें ये रॉड लगी होती है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ एक मशीन होती है, और उस मशीन के माध्यम से हम लोग कुटी करते हैं। क्या करते हैं? कुटी करते हैं। और इसमें कुटी करने मशीन होती है, यहाँ से चलाते जाते हैं, तो यहाँ पर कुटी गिरती जाती है। क्या होता है? यहाँ कटी बोलते हैं कुछ लोग गाँव में, ये हो गए। तो इस तरह से हम लोग मक्का को काट करके लाए, कटाई की। कटाई करके हमने चेक कटर यानी मशीन में लगा दी। किस में लगा दी? मशीन में। चेक कटर की जो मशीन होती है, उसमें गरारियां होती हैं, और उसमें से ये जाएगी और यहाँ से कट 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 करके गिरती रहेगी। इसको हम लोग इस जो कुटी को यानी ये चेक कटर से कटी हुई कुटी को या कट को क्या लगाएंगे हम लोग? एक गड्ढे में लगाएंगे। तो हम एक इस तरह का एक जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाएंगे, और इस गड्ढे को हम लोग क्या करेंगे? पक्का बना लेंगे। यहाँ से क्या बना लेंगे? पक्का बना लेंगे, जिससे कि पानी ना भर जाए बरसात का, क्योंकि बरसात के दिनों में बनाई जाती है, इसलिए पानी ना भर जाए। इस प्रकार से ये गड्ढा बन गया, ठीक है? इस कुटी को इस गड्ढे के अंदर डालेंगे। तो पहले दिन हम लोग केवल क्या करेंगे? कुछ ही भरेंगे, इतना सा। और हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं या बड़े आदमी, कोई भी इसके अंदर जा करके और इसको चले, इसके अंदर घूमेगा, तो ये ठोस हो जाएगी यानी दब जाएगी। जितना अच्छे से दबाएंगे, तो इसके अंदर के जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगी, और एकदम ये ठोस होती चली जाएगी, तो यह अच्छे से पकेगी या फफूंद नहीं लगेगी, ठीक है? तो ये सब हमारे सामने हो गए। एक दिन में ये भर लिया, दूसरे दिन गए तो फिर इतना सा भर लिया। क्या कर लिया? फिर उतना सा भर लिया। और तीसरे दिन गए तो फिर से इतना सा भर लिया। चौथे दिन गए तो फिर इतना सा भर लिया। जब ये पूरा भर जाए, तब हम ऊपर से बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंद। अब ये इसके अंदर किण्वन की क्रिया होकर के ये पच जाता है, कि वह अचार की तरह
ये मक्का का अचार, ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मक्का का साइलेज या अचार कह सकते हैं हम लोग। ये बन गया, ये पशुओं के लिए चार मान लो अपन लोग, तो मक्का का साइलेज बन गया है। अब हम इसे 90 दिन बाद लगवाए, कितने दिन बाद, 90 दिन में, 3 महीने बाद जब हरा चारा समाप्त हो जाता है, तब हम रबी के दिनों में हरे चारे पशुओं को साइलेज के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारे घर पर दूध देने वाले पशु हैं, जिनको हम लोग प्रतिदिन सानी बोलते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, अब प्रतिदिन हरी साइलेज मिलाएंगे। ठीक है, और यह है खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, जैसे हम लोग अपनी थाली में अचार खाते हैं, अचार खाने में स्वादिष्ट लगता है, ठीक उसी प्रकार से पशुओं के चारे में हमने साइलेज मिला करके क्या कर दिया, चारे को स्वादिष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये साइलेज बनाने की विधि थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइलेज में कौन कौन से गुण होते हैं। अमेरिकन डेयरी एसोसिएशन के अनुसार साइलेज कितने प्रकार की होती है, तो मैं बता रहा था साइलेज के प्रकार या साइलेज की किस्में, तो क्या होती हैं वो किस्में, वो जानने की अपन लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नंबर एक, बहुत अच्छी साइलेज, कौन सी वाली, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी। तो साइलेज का पीएच मान, जो अब बहुत अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है। अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा 10% से कम होती है, कितनी होती है, 10% से कम होती है। और विटारिक अम्ल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, क्या नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, और पशु खाता है चाव से, अर्थात बहुत अच्छे से खाएगा। जैसे आप लोग जाते हैं कि नहीं बफर सिस्टम में, तो अपनी चीज पसंद खाते हैं कि नहीं, अपने पसंदीदा चीज बड़े चाव से खाते हैं पहले। ठीक है, उसी प्रकार से ये साइलेज का एक प्रकार हुआ, बहुत अच्छी साइलेज जिसका पीएच मान 3.4 से 4.2 है, इसमें अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा 10% से कम होती है और ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद ऐसी साइलेज को पशु क्या करता है, क्या करता है, चाव से खाता है। ये जो मैं बता रहा हूं वो अमेरिकन डेयरी एसोसिएशन के अनुसार बता रहा हूं, किसके अनुसार, अमेरिकन, सब नोट्स में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है आप, अमेरिकन डेयरी एसोसिएशन, अमेरिकन डेयरी डेयरी एसोसिएशन के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। भारत में पढ़ लो तो भी यही मिलेगा, और अमेरिका में पढ़ोगे तो भी यही बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन में पढ़ोगे तो भी यही मिलेगा, कॉलेज में पढ़ोगे तो भी यही मिलेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और आपको इस तरह का जो मैं समझा रहा हूँ ऐसा किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने अपने माइंड स्टेबल को सेट किया है, और इससे क्या होगा अभी बताऊंगा, यूं तुरंत याद हो जाती है चुटकियों में ये। ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ना वैसे आप भी लिखोगे, ये मेरी गारंटी है। यही मास्टरमाइंड का खेल है कि एकदम याद कैसे करा देते हैं, यानी यहाँ रटना मना है, क्या है, रटना मना है। ठीक है, अब आती है, एक हो गया, अब दो, बहुत अच्छी में थे बहुत हट जाएगी, केवल अच्छी रह जाएगी, क्या रह जाएगी, अच्छी। ठीक है, अच्छी का पीएच मान 4.2 कितने से, 2 से 4.2 कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। और उसके बाद इसमें 10% से 15% हो जाता है, 10 से 15% अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा हो जाती है, बिल और ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा मामूली सी हो जाती है, कैसी हो जाती है, मामूली सी। ठीक है, और इसे पशु चाव की जगह हम अच्छे से खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से खाता है। ठीक है, अच्छे से खाता है। तो दो साइलेज हो गई हमारे सामने, मैं तीसरी साइलेज का वर्णन करता हूँ अब आपके सामने। ठीक है, बहुत अच्छी हो गई, फिर अच्छी हो गई, फिर आएगी 3 नंबर पर सामान्य, कैसी, सामान्य, कैसी,
सामान जिसका पीएच मान 4.5 से 4.8 होता है तथा ब्यूटायरिक अमोनियम की मात्रा 15% से 20% तक होती है और ब्यूटायरिक अम्ल की मात्रा थोड़ी सी इसमें होती है, ठीक है, और इसे पशु सामान्य से खाता है, यानी ठीक से मान लो, ठीक है, सामान्य से, या हम ठीक से भी कहता है, ठीक है, खा लेता है, कोई बात नहीं है, भूख लगी है तो खा लेते हैं, है ना। वैसे तो जंगल का राजा ताजा मांस खाता है, लेकिन जब कोई शिकार नहीं मिली तो पुरानी हड्डियों को भी चूस लेता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जब कोई नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है तो ठीक है, सामान होगी, चलेगी, खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सी बची हमारे पास, थोड़ी सी 1, 2, 3 और 4 खराब नंबर की, ठीक है, क्या होती है, खराब होती है। अगली कौन सी आ गई हमारे सामने, खराब। खराब कब होती है, जब उसका पीएच मान 4.8 से अधिक हो गया हो, क्या हो गया हो, अधिक हो गया हो, क्या हो गया हो, 4.8 से अधिक हो गया है पीएच मान, तो ये खाने में इतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी जितनी ये वाली लगेगी, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा भी अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और ब्यूटायरिक अम्ल की मात्रा भी कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है, और पशु नहीं खाता। तो ऐसी साइलेज को पशु को गन आने लगती है। इसे याद रखने के समझ लो कि दार जब हम देखते हैं, जब ताजा बनती है तो अच्छी होती है, और 4 घंटे बाद कुछ अच्छी होती है, और उसके बाद जब घुस जाती है तो वही दार खराब हो जाती है। उसी प्रकार से 4 नंबर की ये साइलेज खराब होती है और पशु इसे नहीं खाता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया ये टेबल को, इस टेबल को अपन लोग देखने में तो छोटी समझ रहे हैं, लेकिन जब इसको अपन लोग दूसरे तरीके से लिखना शुरू करेंगे तो 2 पेज भर जाएंगे। वो कैसे, मैं बताऊं। उसमें आएगा साइलेज के किस्म, क्या आएगी, साइलेज की किस्म या साइलेज के प्रकार। तो हम लिखेंगे नंबर 1, बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान, क्या, पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है और अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा 10% से कम होती है और ब्यूटायरिक अम्ल की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती और ऐसी साइलेज को पशु चाव से खाता है। ऐसे हम लिखते जाएंगे तो करीबन एक लाइन में हम 5 लाइनें लिख सकते हैं, और 5 लाइन इसमें होंगी, 5 इसमें होंगी, 5 इसमें होंगी, तो 5 इसमें 25 लाइनें, यानी 1 पेज दोनों तरफ से भर सकता है, एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आप लोग तो, ठीक है। तो कैसे समझेंगे अपन लोग, तो पहले तो याद रखने का अच्छा तरीका यह है कि बहुत अच्छी में तो अच्छी रह गई, अच्छी की सामान रह गई, सामान्य की रह गई खराब। ये क्रम यदि आपने याद कर लिया तो ये देखो, मैं आपको तुरंत कराता हूं कि इसमें कितने, 3.5 से 4.2 है, तो ये 0.5 को हम देख रहे हैं ना, तो 5 के ये 0.3 का अंतर आएगा हर बार। यदि हम लोग 2 में 3 मिलाएंगे तो कितने, 5, 5 में 3 के लिए मिलाएंगे तो कितना आएगा, 8। उस प्रकार से 0.3 का अंतर आपके सामने आएगा बस। तो 0.3 का क्या करना है, 0.3 का अंतर याद रखना है, सो याद हो जाएगा। 4.2 में 0.3 मिलाएंगे, क्या, 0.3 मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी सीधी सीधी बात, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो 3 का डिफरेंट है इनमें। जब इनमें 3 का डिफरेंट है तो सिंपल है, ये वाली संख्या यहाँ रख देते हैं, 3 बढ़ा करके लेके देते हैं, ये वाली संख्या यहाँ रख देते हैं, इसमें 3 बढ़ा देते हैं, 0.3, ठीक है। तो इस प्रकार से 4.8 से अधिक होता है तो वो खराब हो जाती है। तो इस वाले में, तो खराब वाले में तो ये भी अधिक है, ये भी अधिक है और ये भी अधिक है, ऐसी अधिक संख्या होने पर पशु नहीं खाते। दूसरा कॉलम याद करो, इसमें 10% है, इसमें 10 से 15 है और 15 से 20 है इसमें, तो 5 का अंतर है, कितने का अंतर है, 5 का, तो ये और भी आसान हो गया, ठीक है। ऐसी किस्म में अपन देखते हैं बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत मामूली सी है, फिर थोड़ी और है और अधिक हो गई, तो ये खराब हो गई, ऐसी साइलेज को नहीं खाता। पहली साइलेज जब बहुत अच्छी है तो पशु अच्छे से खाता है, चाव से खाता है, ऐसे खाता है कि जैसे भूख लग रही हो, किसी को 2 गुलाब जामुन दे दिए जाए तो एकदम दूम गए, ठीक है, तो ये हो गए। अब ये दूसरे नंबर पे कैसी होती है कि फिर गुलाम जामुन तो खत्म हो गए, रोटी सब दे दिया, ठीक है, काम चले। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, सुबह की शाम को खिला दो, और चौथी नंबर पे आज की कल खिला दो, तो समझ लो कितना अंतर आएगा,
बस ऐसे ही ये साइलेजों में अंतर होता है।